तो हमें उसके लिए देना होता है मैथमेटिकल प्रूफ मैथमेटिकल प्रूफ ठीक है ठीक है और अगर कोई स्टेटमेंट रोंग उसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे देंगे उसी से हो जाती है प्रूफ की वो स्टेटमेंट रोंग है ठीक है तो अब हम कोई तीन वेक्टर मान लेते हैं पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर ठीक है तो ये देखो ये हमारे पास पी वेक्टर है दूसरा वेक्टर हमने मान लिया

अगर ये गलत हो गया तो हमारे पास हो जाएगा ठीक है तो ये देखो एक वेक्टर ये हमने मान लिया ठीक है और दूसरा वेक्टर हमने ये मान लिया ठीक है और तीसरा वेक्टर हमने मान लिया ये और ये हमारे पास अरेंज है किसी पाइथागोरस थ्योरम के अलावा किसी ट्रायंगल में ठीक है और पी वेक्टर हमने मान लिया थ्री और क्यू वेक्टर हमने मान लिया फोर और आर वेक्टर हमने मान लिया फाइव ठीक है तो हमारे पास इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो तो जीरो हो गया क्योंकि ये सारे के सारे एक पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं पर हमें बोला गया है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर तो ये पी वेक्टर क्यूक्टर आर वैक्टर ठीक है तो हमारे पास पी का मैग्नीट्यूड है डे थ्री थ्री प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड है डे फोर इज इक्वल टू फाइव तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई क्योंकि इनका सम है सेवन और दो फाइव के इक्वल नहीं है तो ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई ठीक है अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या बोल रहा पी प्लस क्यू का है वो आर के इक्वल है तो हमें पता चल गया देखो पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा थ्री स्क्र प्लस फोर स्क्र इज इक्वल टू स्क् रूट ट्वेंटी हमारे पास फाइव आ गया और

माइनस आर वेक्टर ठीक है अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो p वेक्टर क्यू वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है हमारे पास ठीक है आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस हमारे पास प्लस बन जाता है ठीक है अभी हम दोनों और स्क्वायर रूट करते हैं तो बन जाएगा p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर हां तो हमारे पास ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया और हमारे पास एक एग्जाम्पल भी बता दिया तो हमारे पास स्टेटमेंट टू गई ऑप्शन टू हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ठीक है अभी हमारे पास आता है ऑप्शन थ्री ऑप्शन में बोल क्यू प्लस आर ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनी पी प्लस क्यू माइनस आर तो ये हमारे पास गलती हो गई ठीक है ओबियस बात है ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है ठीक है अभी अभी हमारे पास आता है ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर में क्या बोल रहा है P vector minus Q वेक्टर का r, ठीक है? अभी ये ये देखो, ये हमारे पास एग्जांपल था ठीक है? ये हमारे पास example था, था था अभी ये ये तो हमारे हमारे पास P vector, ये था हमारे पास P Q वेक्टर और हमने क्या ले लिया P वेक्टर माइनस Q वैक्टर तो ये Q वेक्टर था इसको हमने नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया तो ये बन गया हमारे पास माइनस Q वैक्टर ठीक है तो ये बन गया हमारे पास माइनस Q वैक्टर और हमें निकालना इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या जाएगा माइनस का इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा तो ये होगा पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड है ये पी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड है और दोनों के दोनों डिफरेंट है ठीक है तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर भी हमारे पास रोंग आंसर हो गया तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचा है ऑप्शन टू तो ये हमारा करेक्ट आंसर है टेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर